दर्शकों, अब अपनी महफिल को आगे रवाना करते हैं, उसे थोड़ी सी रवानगी देते हैं और मिलते हैं अपने नए कवि से जिनका नाम है राजेंद्र शुक्ला जी। जानते हैं इन्हीं से इनके बारे में और पूछते हैं क्या कुछ ये लाए हैं आज अपने कवि के पिटारे में से हमारे लिए। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाह वाह कवि सम्मेलन में। धन्यवाद मेघा जी, धन्यवाद दर्शकों। वैसे तो मैं कोई राइटर नहीं हूँ, शौक रखता हूँ और शौक में ही बस कुछ चीजें लिख लेता हूँ, वही मैं आपको सुनाने के लिए आया। शौक रखना भी बहुत बड़ी बात होती है राजेंद्र। धन्यवाद मेघा जी। तो आइए, हमारी इंडिया में जुगाड़ शब्द बहुत फेमस है जी। क्योंकि इंडिया के लोग में कैसी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी हो और वो जो गांव में फंस जाए तो जुगाड़ से वो भी चला लेते हैं। जुगाड़ शब्द उसी पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो मुलाजा फरमाइए। बिल्कुल इरशाद। कि दुनिया कहती मुझको जुगाड़ू राम, दुनिया कहती मुझको जुगाड़ू राम, बनाता हूं मैं सबके बिगड़े काम। दुनिया कहती मुझको जुगाड़ू राम, सबको हंसाता काम सबके आता, सबको हंसाता काम सबके आता, सब प्यार से कहते हैं मुझको जुगाड़ू राम। जो काम रुक जाए उसको बनाता हूँ, रोते हुए चेहरे पे मुस्कान लाता हूँ, इसीलिए मुझे कहते हैं जुगाड़ू राम। हर काम में स्टेपनी बन फिट हो जाता हूँ, सुख दुख में यारों सबके काम आता हूँ, इसलिए कहते हैं मुझको जुगाड़ू राम। ऑफिस के हर वर्क में सुपर डुपर फिट में, ऑफिस के हर वर्क में सुपर डुपर फिट में, पर्सनल लाइफ में शुरू से ही हिट में, इसलिए कहते हैं मुझको जुगाड़ू राम। रूठे दिलों को तारों को करता हूँ क्लिक में, रूठे दिलों के तारों को करता हूँ क्लिक में, जो बसर सबसे भागे उसको करता हूँ सिट में, इसीलिए कहते हैं मुझको जुगाड़ू राम। गली मोहल्ला हर कोई पूछे बंधु या हो लोग ऊंचे, गली मोहल्ला हर कोई पूछे बंधु या हो लोग ऊंचे, ऑफिस ऑफिस दफ्तर दफ्तर सबके सबके सच को मैं जानूं, इसलिए कहते हैं मुझको जुगाड़ू राम। हर एक रंग को मैं पहचानूं पर सबकी नजर, सॉरी यहाँ पे हो गया, हर एक रंग को मैं पहचानूं, सबकी बात में काम निकालूं, पर्सनल नजरे तन मन सब में सबके आऊं मैं सब काम, इसीलिए कहते हैं मुझको जुगाड़ू राम। जुगाड़ू राम, जुगाड़ू राम, जुगाड़ू राम। राजेंद्र शुक्ला जी से जुगाड़ू राम रख दें। नहीं जी, लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है मेघा जी। दो शब्द कहना चाहूंगा कि फटी कमीज में खुद तार तार था कल तक, फटी कमीज में खुद तार तार था कल तक, ये बात सच है, ईमानदार था मैं कल तक। फटी कमीज में खुद तार तार था कल तक, ये बात सच है, ईमानदार था मैं कल तक, मुझे सर आंखों पे रहने लगे अब वो भी जिनके लिए गर्दो गवार था कल तक। बुलंदियों पे वो पहुंचा सकेगा क्या तुझको, बुलंदियों पे वो पहुंचा सकेगा क्या तुझको, जो तितलियों के परों पर सवार था कल तक, ये बात सच है, ईमानदार था मैं कल तक। थोड़ी बहुत बेईमानी तो वैसे भी राजेंद्र जी करनी चाहिए, नहीं कहते हैं कि तो राजेंद्र जी के जुगाड़ के बाद, माफ कीजिएगा, उनकी जुगाड़ू कविता के बाद अब रुख करते हैं नए कवि की तरफ जिनका नाम है अंकित, और जानते हैं उन्हीं से कि वो क्या लेकर आए हैं हमारे कवि सम्मेलन में हमारे लिए। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाह वाह कवि सम्मेलन में, अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद मेघा जी, मैं हूँ अंकित पांडे, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं उस समय क्लास 12th में था और 11th में था और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, तो उस बारिश के मौसम पे मैंने कुछ चार लाइनें अपने लिए लिखी थी जो ये मेरे लिए खुद के लिए है। मुझे बारिश कहाँ भिगोती आंसुओं से भीग जाता हूँ, मुझे बारिश कहाँ भिगोती आंसुओं से भीग जाता हूँ, क्या जख्म करेगी लोहे की तलवार यारो बातों से मर जाता हूँ। और अभी लगभग कुछ साल पहले मैं बंगला साहिब जो दिल्ली में है वहाँ से गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो पत्थर पे बेखौफ सोया हुआ था।
बहुत गर्मी का महीना, ये जून जुलाई का महीना था और उस गर्मी में वो काफ़ी बेखौफ सोया हुआ था, तो उसे देख कर मुझे कुछ ख्याल आया और ये लिखा मैंने उसके लिए। नींद पत्थर पे भी आती है, नींद मखमल पे भी आती है, नींद पत्थर पे भी आती है, नींद मखमल पे भी आती है, नींद ही जानती है कि उसे नींद कहाँ आती है, नींद ही जानती है कि उसे नींद कहाँ आती है। हम तो बेखौफ जागे जा रहे हैं, हम तो बेखौफ जागे जा रहे हैं, कमबख्त नींद भी जानती है कि हमें नींद नहीं आती है। तो अभी आपको नींद आती है या नहीं आती है? आती है, अब आती है। तो अंकित जी की नींद की कविता से थोड़ा अलग हटते हैं और जानते हैं कि राही साहब ने अभी अभी अपनी कलम रखी है, क्या लिख रहे थे वो इससे पहले? राही जी क्या लिख रहे थे, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मैं मेघा जी ये देख रहा हूँ कि हास्य प्रोग्राम भी है और वैसा भी है, कुछ दिल वाला भी प्रोग्राम होना चाहिए, कि एक गजल मैं पेश करूँगा जो कि दिल को छूने वाली है। तूने मुझसे मुँह फेर लिया तो क्या हुआ, दुनिया में और बहुत हैं मुझको चाहने वाले, दुनिया में और बहुत हैं मुझको चाहने वाले, तूने न पिलाया तो क्या हुआ, दुनिया में और बहुत हैं मुझको पिलाने वाले। मैं गलत हूँ या सही मुझे मालूम नहीं, साफ आईना दिखा देंगे जमाने वाले, साफ आईना दिखा देंगे जमाने वाले। और मैंने भी बनाया था मोहब्बत का ताज महल, मेरे अपने ही थे उसको गिराने वाले, मेरे अपने ही थे उसको गिराने वाले। और ख्वाबों में सजाया था एक शीश महल, ख्वाबों में सजाया था एक शीश महल, दुश्मन बने हैं नींद से जगाने वाले, नींद से जगाने वाले। दोस्तों, दर्शकों और प्यारे साथियों, मैं एक आपके सामने कर्म के ऊपर प्रस्तुत करूंगा जो कि मेरे जीवन से थोड़ा सा बहुत नज़दीक है, मुझसे बहुत नज़दीक है, तो चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, प्रस्तुत हैं। कि मेहनत करो अजीजो, मेहनत से काम होगा, मेहनत करो अजीजो, मेहनत से काम होगा, और मेहनत बगैर रहना मुमकिन नहीं जान में। बहुत बढ़िया। मेहनत करो अजीजो, मेहनत से काम होगा, और मेहनत बगैर रहना मुमकिन नहीं जान में, और मेहनत से ये बनाए रहते जिस मकान में। बहुत कुछ किया है तुमने अपनी आन में, कुछ गलत न करना किसी की भी शान में, जिधर भी देखेंगे बस सबकी नजर में तुम ही तुम होंगे, और तुम चमकोगे सितारा बन के सारे जहान में। खुदाया हम पर इतना करम करना, खुदाया हम पर इतना करम करना कि आए ना शैतान हमारे तुम्हारे दरमियान में,
और टूट जाएगा सगीर उससे पहले, मेरा नाम है, टूट जाएगा सगीर उससे पहले कि ऐसी खता ना हो जो उठे मेरा कदम किसी भी गुमान। धन्यवाद, शुक्रिया सगीर जी, आप हमारे बीच आए और आपने अपनी जिंदगी से तारुफ खाती हुई एक कुछ चंद लाइनें हमसे शेयर की जो कि वाकई में बहुत अच्छी थी, और ऐसे ही आप हमेशा आते रहिएगा। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे इस वाह वाह कवि सम्मेलन को गुलजार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक शेर चलते चलते जाते जाते एक शेर अर्ज करूँगा कि हम तो हैं मजबूर मगर आप मजबूर नहीं हो, हम तो हैं मजबूर मगर आप मजबूर नहीं हो, फासलों से हैं शायद थोड़ा दूर मगर दिल से दूर नहीं हो। महफिल काफी गुलजार हो चुकी है और राजेंद्र जी की कलम भी काफी देर से फड़फड़ा रही है, तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है अपनी कलम से। राजेंद्र जी, क्या लिखा है आपने? हाँ मेघा जी, मैं कुछ अपने विचार बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। अत्याचार मैंने किसी पे किया नहीं, हद से ज्यादा अत्याचार सहा नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। दुश्मन ने गर मुझको है ललकारा, मैंने एक इतिहास यारो बना डाला, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। दया भावना मेरे अंदर भरी हुई, मुझे किसी धर्म से ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। उदारवादी हूँ मैं पर कट्टरवादी नहीं, विकासवादी हूँ मैं जड़वादी नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैंने सभी प्राणियों से प्रेम किया है, बुरे वक्त में सब लोगों का साथ दिया है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। धरती अंबर नदी समंदर पूजे हैं, लोकतांत्रिक हूँ मैं अधि नायकवादी नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू। शुक्ला जी की हिंदुत्ववादी कविता के बाद अब चलते हैं अपने नए कवि की ओर और जानते हैं उन्हीं से उन्हीं के बारे में। स्वागत करते हैं अपनी वाह वाह कवि सम्मेलन की महफिल में मोहित दीक्षित का। धन्यवाद मेघा जी, शुक्रिया आपने मुझे मेरी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। सभी दर्शकों, पहले तो मेरा राधे राधे जी। देखिए, मैं आया हूँ ब्रज से, तो मैं पहले अपने बारे में जो भी बात बताऊंगा वो मैं ब्रज में ही बताऊंगा, और ब्रज में इस तरीके से बताऊंगा कि हम साक्षात श्री ठाकुर जी का स्मरण कर सकें। तो मैं शुरू करता हूँ। मथुरा सी पुरी अति निक बनी जहाँ सुंदर जमुना जी को किनारो, और जन्मभूमि है मुकुटमणि और श्री द्वारकाधीश सबको रखवारो। ऐसे धाम में जो आवत है ठाकुर जी सदा वाको रखवारो, तहां निवास सुख को करे और मोहित दीक्षित नाम हमारो। बहुत बढ़िया। अब इस प्रोग्राम को, ये वाह वाह कवि सम्मेलन को आयोजित करने वाले हमारे सर श्री राज सर जी से, राज सर जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। चले तो हवा जैसे हैं, रुके तो चांद जैसे हैं, चले तो हवा जैसे हैं और रुके तो चांद जैसे हैं, हमारे श्री राज सर धूप में छाव के जैसे हैं। बहुत बढ़िया। अभी हमसे पहले यहाँ पर कवि महोदय बैठे थे, श्री राही जी, उन्होंने दिल को लेकर एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, बहुत अच्छे शब्द कहे थे। मैं उन्हीं को लेकर एक चार शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज भीगी है पलके किसी की याद में, आकाश भी सिमट गया है अपने आप में। आज भीगी है पलके किसी की याद में, आकाश भी सिमट गया है अपने आप में। ओस की बूंदें ऐसे बिखरी हैं जमीन पर, मानो चांद भी रोया है आज उनकी याद में। बहुत बढ़िया। किसकी याद में मोहित जी? ठाकुर जी की याद में। हम तो ब्रजवासी, हम तो ठाकुर जी को याद करेंगे जी। आगे, मैं इस कदर जिए जा रहा हूँ, जाने क्या किए जा रहा हूँ,
मैं इस कदर जिए जा रहा हूँ, जाने क्या किए जा रहा हूँ। ना जाने कहाँ है मेरी मंजिल, ना जाने कहाँ है मेरी मंजिल, और मैं किस ओर चले जा रहा हूँ, मैं किस ओर चले जा रहा हूँ। ठाकुर जी की कविता के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और अंकित जी आप क्या कुछ हमसे कहना चाहते हैं जरा बताइए। जी हाँ मेघा जी, मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है तमन्ना। हाँ, तमन्ना इच्छा जो सब लोग देखते हैं, सोचते हैं, उनके दिल में कुछ ना कुछ इच्छा होती है जी। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आप दर्शकों के सामने समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तमन्ना भी बढ़ती थी उजालों को देखकर, तमन्ना भी बढ़ती थी उजालों को देखकर, हमने भी आकाश छुआ है ऊंचाइयों को देखकर, हमने भी आकाश छुआ है ऊंचाइयों को देखकर, हमें अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं उन गरीबों को देखकर, हमें अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं उनको उनके गरीबियों को देखकर, कैसे जीते हैं वो अपनी बर्बादियों को देखकर, मुसीबत ने उन्हें नहीं हम सबको सताया है, मुसीबत ने उन्हें नहीं हम सबको सताया है, ये बिन बादल बरसात आज हम सबको रुलाया है। कुछ लिख रहे थे हम उन ख्यालों को सोचकर, कुछ लिख रहे थे हम उन ख्यालों को सोचकर, ये कलम ही रुक गई इन हाथों को देखकर, कुछ लिख रहे थे हम उन ख्यालों को देख कर सोचकर, ये कलम ही रुक गई इन हाथों को देखकर, सोचा था एक बाग बनाएंगे एक माली को देखकर, सोचा था एक बाग बनाएंगे एक माली को देखकर, फूल खिल न सकी हमारी बागवानी को देखकर, फूल खिल न सकी हमारी बागवानी को देखकर, इतनी हसरत थी कि उन्हें दिल में बसाएंगे, इतनी हसरत थी कि उन्हें दिल में बसाएंगे, ये दिल ही टूट गया उनकी इल्जामियत को देखकर, ये दिल ही टूट गया इनको इल्जामियत को देखकर, तमन्ना भी बढ़ती थी उजालों को देखकर, तमन्ना भी बढ़ती थी उजालों को देखकर। आप इस कविता के माध्यम से क्या कहने जा रहे हैं, कहना चाहते हैं जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में जरा समझाएंगे। तमन्ना जो शीर्षक है ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि इसकी भी एक कहानी है मेरे लाइफ से जुड़ी हुई थी, कि मैं लगभग सुबह के 4 बज रहे थे और मैं एक ऐसे रास्ते से गुजरा था जहाँ पे लोग प्लास्टिक के चादर ताने हुए रहते थे, और वो सर्दी के समय था और लोग उसके नीचे सोकर अपने रात गुजार रहे थे, इतनी ठंड थी और मैं इतने ज़्यादा कपड़े पहन के रिक्शे पर ट्रेवल कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी स्थिति क्या है और इनकी स्थिति क्या है, ये अपने आप को कैसे ढाल के जी रहे हैं और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये कैसे समझौता कर रहे हैं। तो सब लोगों को जब इस स्थिति से लोग गुजरते हैं तो दूसरों को देखकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं, लेकिन हमें भी उनकी संतुष्टि के लिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनके सेवा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि ताकि इसके माध्यम से लोगों के अंदर संदेश पहुँचे और लोग इन जैसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। शुक्रिया अंकित जी। अब राजेंद्र जी आपसे हम कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ मेघा जी, मैं हर एक की जिंदगी में एक शब्द आता है तन्हाई जी, और ये शब्द जितना छोटा देखने में लगता है मगर सब जिंदगी में जिसके मोड आता है तन्हाई का जी, तो वो चीज मैंने महसूस की और उसी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। ये आपका खुद का अनुभव है जी। जी इरशाद, कि तन्हाई तन्हा सफर बड़ा सताता है, तन्हाई तन्हा सफर बड़ा सताता है, और ऐसे में सिर्फ ऊपर वाला याद आता है। वाह वाह वाह। तो तन्हाई में मुझको यारो डर सा लगता है, जीवन का हर सपना यारो अधूरा लगता है, तन्हाई में मुझको यारो डर सा लगता है, जीवन का हर सपना यारो अधूरा लगता है, बातें कल की यादें आती तड़फा जाती हैं, बीते दिनों की यादें यारो बड़ा रुलाती हैं, बातें कल की यादें आती तड़फा जाती हैं, बीते दिनों की यादें यारो बड़ा रुलाती हैं, और अपनेपन में अपनापन कुछ, और अपनेपन में अपनापन कुछ घुटता रहता है, अपनेपन में अपनापन कुछ घुटता रहता है, जीवन का हर सपना यारो अधूरा लगता है। फिर मैंने कहा जिंदगी जीने के लिए भी होनी चाहिए, तो इंसान कहता है ना जब कुछ नहीं, अपने आप को ही खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ जरिया ढूंढ लेता है, तो मैंने उस जगह पे शब्द कुछ लिखे हैं। सोचा मैंने कि फूल गुलाब के पेड़ों में भी कांटे होते हैं, फूल गुलाब के पेड़ों में भी कांटे होते हैं, और देखो कितने प्यारे कमल कीचड़ में खिलते हैं,
फूल गुलाब के पेड़ों में भी कांटे होते हैं, देखो कितने प्यारे कमल कीचड़ में खिलते हैं, और यही सोच के मेरा मन भी यूं खिल उठता है कि जीवन का हर सपना यारो अधूरा लगता है। फिर मैंने मन को अपने तरसा कि चलो ये जिंदगी है, समय है, उसके आगे मैंने कुछ शब्द और लिखे कि सुख दुख आना जाना है, सुख दुख आना जाना है किस्सा यारो पुराना है, सुख दुख आना जाना है किस्सा यारो पुराना है, सुख दो पल का साथी है, सुख दो पल का साथी है, दुख से साथ निभाना है। और कुछ पाने को अक्सर कुछ तो खोना पड़ता है, जीवन का हर सपना यारो अधूरा लगता है, अधूरा। आपके क्या कुछ सपने अधूरे रह गए हैं? हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ दौर आता है, तो इसी पे मैंने आधारित ये चीज लिखी। ये एक मेरी बात नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है। शुक्ला जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी इस महफिल में आए, उसे इतना गुलजार बनाया, उसे इतना हसमुख बनाया, कुछ आपने हास्य कविताएं सुनाई, कुछ ऐसी दिल को छू लेने वाली आपने बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेघा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। शुक्ला जी की कविताओं के बाद अब हमारी महफिल को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, और सुनते हैं हमारे नए कवि को जिनका नाम है राज महाजन। राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हास्य कवि सम्मेलन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमें क्या सुनाना चाह रहे हैं, आप हमारे दर्शकों के साथ क्या बांटना चाहते हैं? देखिए, मैं तो दर्शकों के साथ में खुशी ही खुशी बांटना चाहता हूँ, हंसी के फव्वारे बांटना चाहता हूँ। तो जनाब, एक बार क्या हुआ, मेरे अजीज मित्र एक दोस्त थे, मुझे मिले और मुझसे शिकायत करते हैं, अरे भाई सुन, जब मैं पैंट पहन के जाता हूं तो सब्जी महंगी मिलती है। और जब पजामा पहन के जाता हूं तो सस्ती मिलती है। कैसी कैसी शिकायतें लोग लेके आते हैं, बड़ी अजीब सी शिकायत थी कि भाई जब मैं पैंट पहन के जाता हूं तो सब्जी महंगी मिलती है और जब पजामा पहन के जाता हूं तो सब्जी सस्ती मिलती है। तो मैंने कहा एक काम करना, अब कल से कटोरा लेके जाना, सब्जी फ्री में लेके आना। ऐसे ही देखिए जनाब, मुझे मजाक पसंद नहीं है, बड़ा सीरियस आदमी हूं। एक बार एक आदमी रास्ता बंद किए खड़ा था और पहलवान एक आगे आ गया बढ़के, उसने मेरे झपड़ मार दिया जोर से, और मतलब अब मैं रास्ता रुक के खड़ा हूं तो उसने मेरे आगे झपड़ मार दिया। तो मैंने पूछा कि आपने झपड़ गुस्से में मारा या मजाक में मारा? तो कहता है गुस्से में मारा। तो उसने कहा ठीक है, मजाक मुझे पसंद नहीं है। राजी, आपने काफी हंसी के फवारे लगा दिए और हंसते हंसते पेट में भी दर्द हो गया होगा हमारे दर्शकों के। अब मोहित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे साथ में बैठे हैं अमित जी, अंकित जी, उन्होंने एक अपनी तमन्ना की कविता सुनाई थी जी, बिल्कुल, जिसमें काफी सुंदर सुंदर शब्द थे जी, जिसका अगर कोई भी इंसान मतलब समझे तो उसके दिल को छुए जी। उसी तमन्ना को लेकर आज के टाइम में, आज के समय में भी नहीं पहले के समय से भी एक तमन्ना हर एक इंसान के मन में जागती है, उसे बोलते हैं प्यार की तमन्ना जी। तो उसी को लेकर मैं एक आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगा, ठीक है? तो गौर फरमाइएगा जरा उस पर। वो मुझ में इस कदर जिंदा है कि अब मरने का डर नहीं मुझको, वो मुझ में इस कदर जिंदा है कि अब मरने का डर नहीं मुझको, कि इस एक जिस्म में दो जान कैसे रहेंगे, अब तो चाहत है मर जाने दो मुझको। आगे सुनिएगा, दिल में बसा कर रखा है उसे, डरता हूं कहीं कोई मेरी टीस न चुप जाए उसे,
दिल में बसाकर रखा है उसे, डरता हूँ कहीं मेरी कोई टीस ना चुभ जाए उसे, इस जिस्म में दो जान कैसे रहेंगी, अब तो चाहता हूँ मर जाने दो मुझको। आगे और सुनिएगा। मैंने आपकी हर चाहत में, मैंने अपनी हर चाहत में उसे जिंदा रखा है, मैंने अपनी हर चाहत में उसे जिंदा रखा है, मेरे छू लेने से कहीं मेला ना हो जाए, मैंने अपनी हर चाहत में उसे जिंदा रखा है, मेरे छू लेने से कहीं मेला ना हो जाए, अब तो इस जिस्म को छूने से भी डर लगता है। क्या बात है? इस एक जिस्म में दो जान कैसे रहेंगी, अब तो चाहता हूँ मर जाने दो मुझको। बहुत बढ़िया, सांप के लिए चूहे की दवाई लेके आते हैं। नहीं सर, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने पूछा कि कैसे रहेंगी दो जान एक जिस्म में, तो अब आप बता भी दीजिए कैसे रहेंगी। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे राधा और कृष्ण। अच्छा, राधा और कृष्ण, कभी आपने सुना है कि लोग सीधे सीधे बोले बोले कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा सुना होगा जी, क्योंकि दोनों एक हैं। जी, जी, जी। राधा को कृष्ण की अर्धांगिनी माना गया है जी। कि कृष्ण का आधा अंग राधा है। ऐसी सीताराम, सीता जी को राम की अर्धांगिनी माना गया है, और वही चीज आज भी वर्तमान में चलती आ रही है और आगे भविष्य में भी चलेगी। आप कभी भी किसी भी शादी में देखना, जो पंडित जी होते हैं, जो पूजा कराते हैं, शादी कराते हैं, वो फेरे के बाद में जो वधू होती है उसको वर की अर्धांगिनी बताते हैं, बोले ये आपकी अर्धांगिनी है, आपके अंग का आधा हिस्सा। इस तरीके से एक जिस्म में दो जान होती है। अंकित जी आप बड़ी देर से चुप बैठे हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों के साथ अपनी कुछ और तमन्नाएं बांटिए। धन्यवाद मेघा जी, और ये है मेरी अगली कविता जिसका शीर्षक है खुद की खोज। इंसान जो है हर जगह अपने आप को देखता है, खोजता है कि मैं कहाँ अभी फिलहाल पहुँचा हूँ। तो ये हर इंसान से जुड़ी एक पंक्ति है, जो कविताएं हैं जो आप समझेंगे इसे। हर आईने में अपनी परछाई ढूंढते हैं, भीड़ में भी थोड़ी तन्हाई ढूंढते हैं, थी दूरियां बहुत इसलिए एक साथ ढूंढते हैं, थी दूरियां बहुत इसलिए साथ ढूंढते हैं, दिल में अनेकों राग बज उठे इसलिए अब एक साथ ढूंढते हैं, दिल में अनेकों राग बज उठे इसलिए अब साथ ढूंढते हैं। अब तो पूरा हुआ दोस्तों ये जिंदगी का सफर, अब तो पूरा हुआ दोस्तों ये जिंदगी का सफर, इसलिए अब केवल चार हाथ ढूंढते हैं, केवल चार हाथ ढूंढते हैं। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपकी जो कविताएं हैं वो काफी गंभीर हैं, क्या ऐसा आपके साथ कोई हादसा हुआ है जो आप इतने गंभीर? नहीं मेघा जी, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि कोई ऐसी कोई हादसा मेरे साथ हुई है, पर ये जो मेरा है अपना पर्सनल अनुभव है और मैं लोगों के साथ बांटता हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं और ये जिंदगी का वास्तविकता है। मैं जो है निर्गुण पर लिखता हूँ ज्यादातर, बहुत लोग हास्य कवि लिखते हैं, बहुत कुछ लोग अन्य प्रकार के रस से जुड़े हुए कविताएं को प्रस्तुत करते हैं, पर जो मेरी ये कविता है मैं अक्सर जो है वो निर्गुण पर लिखता हूँ कि जैसे जो चीजें गंभीर रूप से समाज में चली आती हैं, जो लोग गंभीर रूप से जो सोचते हैं समझते हैं, तो शायद वो उनको पढ़ें और अपने आप में जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को देखें, सोचें और उसमें एक नया दिशा खोजें और अपने आप अपनी जिंदगी को सरल बनाएं। तो इसलिए मेरी कविता इन सब चीज़ों से जुड़ी होती है। एक और है। राज्य, अब आप हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके चेहरे के भावों को देखकर। क्या करें, पेट में इतनी कविताओं के लड्डू लेके आया था, सब उबल रहे हैं और बाहर आने को आतुर हैं। कुछ और कविताएं मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखिए जी, एक बार मैं कहीं जा रहा था, वहां देखिए जी, अब घर से बाहर निकल के कहीं तो मुंह छुपाना पड़ता है, ऑफिस इसीलिए ऑफिस जाना पड़ता है। तो रास्ते में एक मुझे भिखारी मिला, वो कहता है बाबूजी तरस खाओ, भगवान के नाम पे कुछ देते जाओ। रास्ते में एक भिखारी मिला था मुझे, वो मुझसे कहता है बाबूजी तरस खाओ, भगवान के नाम पे कुछ देते जाओ। और मैंने जेब से पैसा निकाला, 10 पैसे का सिक्का उसकी जेब में डाला।
मैंने अपनी जेब से पैसा निकाला, 10 पैसे का सिक्का उसकी जेब में डाला। क्या कहता है वो? बाबूजी आज 10 पैसे बांट रहे हैं, 1 रुपया देते थे आज 90 काट रहे हैं। मैंने भी कहा, अरे भाई तब मैं कुंवारा था, अब मजबूर हूं, तभी चुपचाप हूं, शादी हो गई है, 4 बच्चों का बाप हूं। तो साहब क्या कहते हैं भिखारी जी, कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब समझा बाबूजी, 10 पैसे झोली में डाल रहे हैं, मेरे 90 पैसों से अपने 4 बच्चों को पाल रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मैंने अपने घर में अपनी नाम राशि का नौकर रख लिया, मेरा नाम भी राज और उसका नाम भी राज। अब मैंने अपनी भगवान से पूछा, अपनी बीवी से, भैया वो तो भगवान होती है ना घर की, भगवान नहीं मानेंगे तो फालतू में हमारा दास बन जाएगा। अरे भगवान एक बात पूछूं बतलाओगी, मेरा नाम राशि नौकर कैसे बुलाओगी? अरे भगवान एक बात पूछूं बतलाओगी, मेरे नाम राशि के नौकर को कैसे बुलाओगी? नौकर रखने में ना अकल को दौड़ाया है, मुझको क्या पता तुमने किसको बुलाया है, क्योंकि अब कैसे पता चलेगा? अगर वो बोलेगी राज आओ, तो भैया कौन जाएगा, मैं जाऊंगा या नौकर जाएगा? तो वही मेरी दुविधा थी। मेरी बीवी बड़ी इंटेलिजेंट, कैसे जवाब देती है, अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, थोड़ा सा समझ लिए, प्यार से बतलाती हूँ, प्यार से बुलाऊं। अरे प्यार से बुलाऊं तो नौकर जानिए, गुस्से में कहूं तो अपने आप को मानिए। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। मोहित जी आप बहुत देर से मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे अब आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह ही दीजिए, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? जी जरूर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, केवल 2 लाइन। जी बिल्कुल। अभी हमारे मित्र कवि अंकित जी ने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी जी, उसको सुनने के बाद में मुझे 2 लाइन याद आई, तो मैंने सोचा कि चलो दर्शकों को वो लाइन सुना दें जी। दुनिया के भंवर में हर जान अकेली है, दुनिया के भंवर में हर जान अकेली है, उलझो तो पहेली और समझो तो सहेली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा रुको ना। अच्छा मेघा जी, अब मैं 4 लाइन बोलूंगा केवल रिश्ते को लेकर जी। आजकल आपने देखा होगा घर परिवार में रिश्ते टूट जाते हैं जी, बिल्कुल, और बिना लड़ाई के टूट जाते हैं, कैसे कि आज समझ की कमी होती है उनमें, समझ की कमी भी होती है। जैसे आज मान लीजिए एक भाई यहाँ दिल्ली रह रहा है, एक भाई बम्बई रह रहा है, उनका आना जाना कम होता चला गया, बोले कि वो हमारे यहाँ नहीं आता, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, तो उनके रिश्तों में कमी होगी, रिश्ते टूट गए। तो उसी बात के लिए मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, दीप बनकर जगमगाना जिंदगी है। अरे मिलकर रहे तो क्या हुआ, बिना मिले दिल के रिश्तों को निभाना जिंदगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं इसी बारे में जो अभी मोहित जी ने शेयर किया है रिश्ते के बारे में, तो आप बस माइक अपनी तरफ लीजिए और फटाक से बोलिए। मोहित जी, जो आपने कहा है रिश्ते वाकई बहुत ही नाजुक डोर होती हैं, लोग रिश्तों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी गलती के कारण अच्छे खासे रिश्ते टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो समाज में रिश्तों का बहुत ही अहमियत है कि लोग एक दूसरों को एक रिश्ते के माध्यम से ही जानते हैं कि ये हमारा ये रिश्ता लगता है तो हमें इसको कैसी अहमियत देनी चाहिए। तो उसी पर मेरी भी कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं, उसे आप सुनिएगा। कैसे हैं ये रिश्ते अजीब जिन्हें समझ नहीं पाते हैं, कैसे हैं ये रिश्ते अजीब जिन्हें समझ नहीं पाते हैं, जिन्हें अपना समझते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं, जिन्हें अपना समझते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं। लाख ठोकर खाकर हम फिर भी समझ नहीं पाते हैं, फिर अनजान चेहरे पे जाने हम क्यों मर जाते हैं। कैसे हैं ये रिश्ते अजीब जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। करते हैं गलती फिर भी हम संभल नहीं पाते हैं, जाने क्यों नई गलती एक बार फिर से दोहराते हैं।
कैसे हैं ये रिश्ते अजीब जिन्हें समझ नहीं पाते हैं, कैसे हैं ये रिश्ते अजीब जिन्हें समझ नहीं पाते हैं। अंकित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे सम्मेलन में आए, उसे शानदार बनाया, और मेरे तमाम कवि साथियों का जो इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग आए, इसे गुलजार बनाया, हमारा वाह वाह कवि सम्मेलन आपकी वजह से काफी शानदार हुआ। आप